अभिषेक करे। धृताभिषेक गीत उत्कृष्ट वर्णन में मृताभिराम प्रभावले संगम लुप्त दीप्ति धाराम गण गुणान में या मध्य रताम सुलभ संयुक्ताम ओम रीम त्रीम क्लीम में वरम बम बम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगलकांत भाकुले जिनग्रहितनात्मा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश संपूर्ण सारसता के मरीच डाल सिंधेरे आत्मसा में सुप्रवाह है छीरई जिना सुति तरह रक्षित माना संपादय ममचित समीतानी ओम रीम त्रीम क्लीम मर हम बम बम हम तम तम पम झम झम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले दिन ग्रहे दिन आत्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। दही का कलश दुग्धादि बीच पर संचित फेन राशि पांडुत कांति में विदर ताम तिव दगनांगता जिनपते पितमान सुधारा संपत्ति तान सपत वांच सिद्धेवा ओम रीम त्रीम क्लीम में वरम बम बम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापित सग्रत दुग्ध दधीक्षवाही सर्वाभिधौषध विरारत दुलाभि उद्वर्तम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत कटवारी पूरी ओम रीम श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश इष्टैर मनोरथ सती दिव्य पुन साम पुण्य सुमण कल से निकले वसा नहीं संसार सागर विलंगन हेतु सेतु माप लावये त्रिभुवन कपतिम जिनेन्द्रम ओम रीम त्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नक्षे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामि जे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्धिया पर्या विशुद्धिया कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित तस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि यस्य द्वादश योजने सदसद गंधार्भि सोपमा नप्यथान सुमनो गणान सुमनसा वसंति विश्वक्षदा यः सिद्धिं सुमना सुखम सुमनसा सुम सहायता मामहं तं देवं सुमनो मुखैः सुमनो वेदे समव्यर्च्ये ओम रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपैः पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं त्रिभुवनोत्तारयामि इति मंगलारती औतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रवेदन गणसार चतुस्समाढे दामोदवासित मधिगंत्रालयी मिश्री के तेन पहचान पुंगवानाम त्रैलोक पवनवा सपनम करोमि ओम रीम श्रीं क्लीं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशे नक्षेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कलशेन सुगंधित जलेन नक्षेत्यामि नमोरते अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही। शांति धारा की एक बोली होगी। नीचे भगवान का भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जो भगवान 108 फीट के भगवान ऋषभदेव से शेष पाषाण से निर्मित है उनका
अभिषेक होगा शांत धारा से, और ऋषभ जो भगवान जो यहाँ पर विराजमान है बड़े भगवान, उनका भी अभिषेक होगा। दो बोलियाँ होंगी, करा दो फटाफट जी। बताइए जो भी बोलना है रोज राशि। हमारे डिमापुर वाले भी उपस्थित हैं और हमारे कलकत्ता वाले भी, और भी जो भक्तजन हैं, जो भी राशि बोलना हो ऊपर भगवान के लिए। हीराडाल जी, अशोक कुमार जी, विनोद कुमार जी, पहाड़िया, गुवाहाटी, आसाम से इन्होंने आज भगवान की शांति धारा की बोली का अवसर प्राप्त किया है। श्री राजकुमार जी सेठी, ज्ञाना देवी सेठी कलकत्ता, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी और श्री राजकुमार सेठी, और उनका क्या नाम है, अनामिका, अनामिका, श्रीमती अनामिका जयंत सेठी, वो भी सेठी है पांड्या, अच्छा गोरखपुर की है। चलिए ऊपर चलिए भाई साहब, आप चलिए। हाँ इनका, इनका ये ऊपर, हाँ एक ग्रुप ऊपर एक ग्रुप यहाँ। राजकुमार सेठी जी यहाँ से करेंगे, और इनको कुर्सी भी लगा दो वहीं पर, सुनो शानधारा के साथ कुर्सी भी लगा दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मोचनवासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व रोग सर्व नाशनाय सर्व प्रकट छद्रपदो विनाशाय सब श्याम नाम विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रा, एक बहन जी चले जाओ। ओम राम रीम रूम रोम रा श्यवसन महा गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भ संघ श्री राजकुमार जी सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, श्रीमती अनामिका पांड्या कलकत्ता गोरखपुर निवासी सपरिवार से गुवाहाटी। श्री हीरालाल जी, अशोक कुमार जी, विनोद कुमार जी, रेखा जी, रेखा देवी जी, पहाड़िया परिवार गुवाहाटी आसम सर परिवार से, श्री विनोद कविता बाकलीवाल गुवाहाटी सर परिवार से, सर भक्तानाम सरपुजकानाम आज के शांति धारा के लिए सौभाग्य अर्जित करने के लिए, श्री पुनीत जैन के जन्मदिवस पर माता पिता श्री विनोद कुमार जैन, शकुंतला देवी जैन, उत्तम नगर दिल्ली परिवार की ओर से शुभकामना सहित शांति धारा। श्री कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषन समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार अक्षत संजलर सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन्स दिल्ली सर परिवार से, श्री सर भक्तानाम सरपुजकानाम संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, अतिशय सुरभि जैन, अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, अंतिम अमानवागम सिद्धांत जैन प्रीतिहार दिल्ली सर परिवार से, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सर परिवार प्रीतिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधु पुत्र पुत्रवधु मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र पौत्री अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री किराशन जैन सराफ, श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम सम्यक जैन चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाषन सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयेश नेहा जैन टिकट नगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, इकलंग जैन टिकट नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंचू जैन पुत्र वधु सुनैना जैन टिकट नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, श्री अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीमती मंगला सुभाषन जैन साहू जी जमुती फसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग इलाहाबाद, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ेल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं संस्पदाधिकारी जैनधन प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीतिहार, विजय जैन दशपुर रोड, जनराज जैन
विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमनापार, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानसली, बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर परिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानवाल अजित कुमार पांड्या बाहुली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा जैन, संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान समस्त दीवान परिवार सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिता भाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, लीनेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेट्टी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेट्टी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छबड़ा, दक्ष अमारा आरम शरण्या सेट्टी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इंक्लू दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन सासला बेतु, श्री अनुभव जैन, शैली जैन, आरम अनिक्षा जैन, प्रीत दिहा दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्य, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सर परिवार से, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य बेतु, श्री संजय जैन, अंजु जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली सर परिवार से, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य, हस्ता विजैन राजपुर दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, बबीता, श्रेयां जैन, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, तनु जैन, रिद्धि जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर परिवार से, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्याजन सौगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन, सी ए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर दिल्ली, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाषन जैन, समकी जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्य, भव्या जोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य हेतु कलकत्ता, श्री अमृतलाल चोगलाल टिमरूबा परिवार जैन मिलन सोसाइटी अहमदाबाद, स्वर्गीय श्रीमती चंद्रप्रभा प्रवीणचंद, नेमचंद शाह, श्री विजय भूमिका शाह नारायणपुरा अहमदाबाद गुजरात सर परिवार से, सौभाग्यवती ईलास अशोक दोषी, श्री ऋषभ अंकित लाभेश दोषी परिवार गुलालवाड़ी मुंबई, श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल, प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा महाराज सर परिवार से, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सर परिवार से, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान सर्व परिवार से, सर भक्ता नाम, सर पूजका नाम, सर ज्ञानवरण कर्म, ज्ञानवरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिन, रत्नावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिन, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिन, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिन, आयु कर्म, चिंचिंदी बिन बिन, नाम कर्म, चिंचिंदी बिन बिन, गोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन बिन, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन बिन, क्रोधम, चिंचिंदी बिन बिन, मानम, चिंचिंदी बिन बिन, मायाम, चिंचिंदी बिन बिन, लोभम, चिंचिंदी बिन बिन, मोहम, चिंचिंदी बिन बिन, रागम, चिंचिंदी बिन बिन, द्वेषम, चिंचिंदी बिन बिन, गंधयम, चिंचिंदी बिन बिन, भयम, चिंचिंदी निभयम, चिंचिंदी सर्प भयम, चिंचिंदी विंद भयम, चिंचिंदी सागर नदी जल भयम, चिंचिंदी गलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी विंदादि बंधन भयम, चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी विंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी विंदी चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी गर्भवासधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम, चिंचिंदी विंदी दुर्घटना भयम, चिंचिंदी भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी भूत पिशाच वंदेड अग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी भूतनानि भयम, चिंचिंदी व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी भूतदास भयम, चिंचिंदी भूतचोर भयम, चिंचिंदी भूतदुष्ट भयम, चिंचिंदी भूतशत्रु भयम, चिंचिंदी भूतबिंदी सर्व शोक भयम, चिंचिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व भयम, चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्वाकरोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्वायसः, चिंचिंदी सर्वपापम, चिंचिंदी सर्वविद्याम, चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्वमतिम, चिंचिंदी सर्वभयम, चिंचिंदी सर्वक्रोधग्रह भयम, चिंचिंदी सर्वदुःखम, चिंचिंदी सर्वापमृत्युम, चिंचिंदी विन्विन्दी
ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदानायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराज बीर वर्मान अमलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्याना वादे जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देश उत्तर प्रदेश सारस्वती दविदाती क्षेत्र विसंबत 2549 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राजे राक्षेपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सलातोकाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तंसुआय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम देव रूप शांति शुभिक्षाम करो करो मना समाधि करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौभाग्यम करो करो सर्वाधिष्ठ ग्राजनन कुलेन कुलेकत लिखात्मणम गाते गाते आयु दुरागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथ जगत शांत करा सर्वपद्रो शांति कुरु कुरु ह्रीं नम परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्री राजकुमार जी सेठी श्री हीरा लाल जी अशोक कुमार जी विनोद कुमार जी रेखा देवी जी पहाड़िया गुवाहाटिया समसर परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम च गुरु गुरु बसत स्वाहा। भगवान की जय। सारस्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रायन मार्गम नृपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर साय दीप दूप फल अर्घ सुले करनाथ तथा लंबंग बजाय श्री आदिनाथ जी चरण कमल पर बल बल जाओ मनवश काय हे करुणा निर्भव रुक में टो याते में पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव जितना अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान एवं ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फुट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंद कारी दृक प्यारी तुम अवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने तम नुतन क्रेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुण देशम जाम तेसम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीन भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसुचदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोरद तार पूजत पाप हरो श्री वीर मात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी के चरणों में स्वाहा। आज श्रेयासनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। इनको मोक्ष सम्यक शिखर से हुआ है एक अर्घ चढ़ाएंगे। श्रावण सुधि पूनो श्रेयांश कर्म नाश करके शिवकांत गिर समेत पूज जग सिद्ध नमो मोक्ष कल्याण प्रसिद्ध। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला पूर्णमायाम श्री श्रीनाथ मुख्य कल्याण का है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई दौल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह जिन आत्मा विजय। ओम ह्रीम सारस्वती सम्मेत शिखर में आचार्य सांसागर स्मारक में विराजमान 31 फुट के अजित भगवान के श्री चरणों में वासपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फुट के वासपूज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले दिन करे साधु माया मुझे। ओम ह्रीम बीसवीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती 108 शांति सागर पट्टाचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य अनेकान सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि यारका छुल्लक चुल्लिका पिछीधारी समस्त संघों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारित्र का भारत गौरव गणी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी 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 माता जी। आज हमारे बीच में श्री राजकुमार जी सेठी
जो भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा के पदाधिकारी हैं और जिन्होंने संपूर्ण जीवन आज परंपरा के लिए भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा के लिए एवं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के लिए समर्पित किया हुआ है, ऐसे भाई राजकुमार जी सेठी का आज आगमन सरस्वती अयोध्या में हुआ। उन्होंने अभी यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा संपन्न की है, आज यहाँ पर पधारे हैं, दो शब्द इस शुभ अवसर पर अपने बोलेंगे, उसके बाद पूज्य गणनीय आदिमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा नियम सार ग्रंथ पर। और इसके साथ सभी भक्तों को सूचित करना है कि रथ जो अयोध्या तीर्थ प्रभावन रथ का प्रवर्तन सरस्वती अयोध्या से 11 जुलाई को किया गया है, आज उस रथ का प्रवर्तन भरतपुर जिले में यानी भरतपुर लोकल में है, तो सभी भक्तगण पहुंच करके और धर्म लाभ लें। इसी प्रकार से रथ का प्रवर्तन राजस्थान की नगरियों में, राजस्थान के गांव में, राजस्थान के नगरों में भरी प्रकार से प्रभावना के साथ चल रहा है, ऐसे रथ में सभी लोग तन बंधन से सहयोग दे करके सरस्वती अयोध्या के नव निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहें। और अब पूज्य माता जी के उद्बोधन से पूर्व श्री राजकुमार जी सेठी के दो शब्द माइक देते। पुनीत जैन श्री विनोद जी और शकुंतला जी जो उत्तम नगर दिल्ली हैं उनके सुपुत्र हैं, आज उनका जन्मदिवस है, वो आशीर्वाद चाहते हैं, माता जी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। और आकांक्षा जैन, सुनीता जैन, इनके मयूर विहार दिल्ली में सुषमा जी के परिवार से स्वास्थ्य लाभ के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, तो आकांक्षा जैन, सुनीता जैन के लिए भी माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतु आशीर्वाद प्रदान कर रही है। और पुनीत जैन को उनके जन्मदिवस पर विनोद जी के बेटे बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब मंगलमय हो आपका नया वर्ष और आप अयोध्या आकर माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना। अब राजकुमार जी सेठी। आदिनाथ भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय, अयोध्या स्वास्थ्य तीर्थ की जय, गन्नी आर्यिका ज्ञानमती माता जी की जय, चंद्रामती माता जी की जय, रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी को सादर इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा काकंदी क्षेत्र में अभी तक मैं दर्शन नहीं कर पाया था, काकंदी क्षेत्र के दर्शन के निमित्त से कार्यक्रम मैंने गोरखपुर का बनाया और कल काकंदी क्षेत्र में परसों अभिषेक एवं शांति धारा की। पुखराज जी पांड्या गोरखपुर में हैं, उन्होंने मुझे कहा इतनी दूर आए हैं तो माता जी का दर्शन भी करना चाहिए, तो मैंने कहा इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, माता जी आज सर्वोच्च साध्वी हैं और मैं तो माता जी से पिछले 55 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, 1974 में रविंद्र कीर्ति जी, मोती सागर जी एवं बबूलाल जी जमादार दिमापुर में हमारे घर आए थे, उसके बाद लगातार ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद मुझे हर कार्य में मिलता रहा है, चाहे कुंडलपुर में आचार्य शांति सागर निलय का निर्माण हो, चाहे हस्तिनापुर में वीर सागर त्यागीवर्ती निलय का निर्माण हो, और अभी समेत सिगर जी में माता जी के आशीर्वाद से स्वागत कक्ष का निर्माण करवाया, तो ये सब कार्य सिर्फ माता जी का आशीर्वाद 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 था, और संघ का पूरा आशीर्वाद था, चंद्रामती जी माता जी का आशीर्वाद था, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं अपने माता जी और पिताजी के जन्म शताब्दी के ऊपर में ये तीन कार्य करवा सका। लोग तो शादी की 50वीं और 25वीं मनाते हैं, मैंने अपने माता जी पिताजी की जन्म शताब्दी मना करके माता जी का आशीर्वाद लिया और तीन स्थानों पर उनके आशीर्वाद से ही जो हमारे प्रथमाचार्य है, प्रथम पटाचार्य है, द्वितीय पटाचार्य है, उनके नाम से ये निर्माण कराए। मैं माता जी का बहुत बहुत ऋणी हूँ ऋणी हूँ ऋणी हूँ। मैं उनका सोजन में भी उपकार नहीं भुला सकूँगा। माता जी ने जो भी आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद हमेशा फलीभूत हुआ है। मैं माता जी के चरणों में कोटि कोटि बंदामी करता हूँ, चंद्रामती माता जी के चरणों में कोटि कोटि बंदामी करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा चाहता हूँ और उनके चरणों में ही मेरी समाधि हो, ऐसी भावना पाता हूँ।
बोलिए ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानमती माता जी की। महाराज कुमार जी सेठी जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए, उनका तनबंधन से सहयोग हमारी योजनाओं में बराबर प्राप्त होता है। भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में उन्होंने संतों के ठहरने के लिए वहाँ पर आचार्य शांति सागर निलय का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन भी विधिवत किया गया था, और उसमें जो भी साधु आते हैं किसी भी परंपरा के हों आकर के ठहरते हैं, आहारचर्या होती है। और उसके साथ जम्बूदी हस्तापुर के अंदर आचार्य वीर सागर निलय का निर्माण हुआ, उसमें भी हमारे संतगण आकर के ठहरते हैं, प्रतिदिन आहारचर्या होती है। अभी जब कोरोना का समय चल रहा था तो आचार्य प्रसन्न सागर महाराज लगातार 3 महीने तक उसी भवन में ठहरे, और भी संतगण आकर के इस भवन के अंदर ठहरते हैं। इसी प्रकार से समेत शिखर के अंदर अभी 3 मंजिल का बहुत सुंदर कार्यालय वहाँ पर निर्मित हुआ, जिसका उद्घाटन भी वहाँ विधिवत किया गया। ये निर्माण भाई राजकुमार जी सेठी परिवार की ओर से, उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में ये निर्माण कराए। ये उनकी हमेशा उज्जवल भावना रहती है कि इधर उधर होटलों में और अन्य उपादानों में खर्च न करके और हमारे तीर्थों के ऊपर हम निर्माण करा करके शाश्वत प्रभाव न करें, ऐसी भावना के साथ उन्होंने निर्माण संपन्न कराए हैं। उनके परिवार के लिए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब अयोध्या पूज्य माता जी आई हैं, यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई निर्माण कराना है। अभी हम यहाँ पर यात्री निवास का शिलान्यास करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 94 में माता जी आई थी तो एक भी कमरा नहीं था, एक भी रूम यहाँ पर नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ पर 46 कमरे 3 धर्मशाला के रूप में निर्मित किए, और अब 125 फ्लैटों की सुंदर धर्मशाला यात्री निवास, जैसे मांगी टुंगी के अंदर हमने 7 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है, उसी प्रकार से सुंदर फ्लैट होटल जैसे यहाँ पर निर्मित करने जा रहे हैं। 2 राशि हमने रखी है, 1,51,000 रुपये की राशि, और दूसरी राशि जो समेत शिखर के अंदर अभी 5 मंजिल की बिल्डिंग बनी है, वैसे फ्लैट 5,51,000 रुपये की राशि में रखे हैं, और कुछ बड़े और जिसमें चेंजिंग रूम भी है उसकी राशि 11,00,000 रुपये रखी है। तो मैं सेठी जी से भी अनुरोध करूंगा कि कलकत्ते से कुछ फ्लैटों की स्वीकृतियाँ इसमें हो। अभी हम श्रावण के महीने में ही इसका शिलान्यास करेंगे, और बहुत जल्दी 6-7-8 महीने के अंदर 5 मंजिल की बिल्डिंग 125 फ्लैटों की यहाँ निर्मित करेंगे, क्योंकि अयोध्या के अंदर हजारों लाखों जैन और जैनेतर बंधु आने वाले हैं। आने वाले समय के अंदर जैनियों का भी जो उपेक्षा थी, धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है, जैन अनुयायी भी बराबर आ रहे हैं, तो उन्हें भी सुख सुविधापूर्वक यहाँ सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए हमारे पास अब तक अभी 1 महीने पहले ही हमने घोषित किया है, और 48 फ्लैटों की स्वीकृतियाँ हमारे पास हो चुकी हैं। 125 फ्लैट इसमें हमें निर्मित करने हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। एक मिनट, हमारे बीच में विनोद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः, राय श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय, ओम रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय, ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः, ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम रीम श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम रीम श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम रीम श्री ऋषभ देवस्य भर्तादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेश्वरेभ्यो नमः, ओम रीम श्री ऋषभ देवस्य भर्तादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेश्वरेभ्यो नमः, ओम रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः, ओम रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। आज भगवान श्री राजनाथ का निर्वाण कल्याण दिवस है, जो पंचकल्याण व्रतों की तिथि से व्रत करते हैं उन्हें तो करना अनिवार्य है ही है, क्योंकि दोनों सावन में ये व्रत है, जो वार्षिक व्रत होते हैं दोनों सावन में किए जाते हैं। ओम रीम निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम रीम निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः, ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः, ओम रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः, ओम रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। अध्यात्मा इस बात को ध्यान में रखना है कि जो वार्षिक व्रत है और
चातुर्मासिक व्रत है वो दोनों सावन में करने होते हैं, लेकिन जो केवल श्रावण मास के व्रत हैं वो इस अगले कल सावन से शुरू होगा। जो दूसरा श्रावण, ये आज एक प्रथम श्रावण मास पूर्ण हुआ है, पूर्ण हो रहा है, और कल से द्वितीय श्रावण कृष्णा प्रतिपदा है। तो जो एक श्रावण महीना के ही जो व्रत हैं वो इस अगले महीने में ही किए जाएंगे। जैसे कि अब आप ध्यान रखें, कल है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, इतना महिमापूर्ण दिवस है कि अनादि निधन, ये वर्ष महीने और तिथियां अनादि हैं। ध्यान रखें, इन्हीं तिथियों के अनुसार देवगण भी तिथि मनाते हैं, नंदीश्वर पर्व आदि मनाते हैं। श्रावण कृष्णा एकम वर्ष का युगादि दिवस है। प्रत्येक वर्ष जो हमारा आता है, वर्ष का प्रथम दिवस और प्रथम मास, प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष और प्रथम तिथि प्रतिपदा एकम, हमेशा ध्यान में रखें। धवला जय धवला षटखंडावादी ग्रंथों के अनुसार बहुत उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पहाड़ीवध पूर्व दिवसे आदि गाथा है। तो बात यही है, कलियुगादि दिवस है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि कल के दिन श्रावण कृष्णा एकम के दिन विप्राचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देवधनी खिली है। तो वीर शासन जयंती पर्व है। वीर शासन जयंती पर्व मैंने आप लोगों को घोषित किया हुआ है, सभी लोग रथ यात्रा करेंगे, जुलूस करेंगे, वीर शासन जयंती पर्व मनाएंगे और भगवान महावीर का 1008 राधिकोत्सव से अभिषेक भी करेंगे। यहाँ पर भी कल हमारे रविंद्र कीर्ति जी रथ यात्रा करेंगे और लखनऊ से, राजधानी से आकर के हमारे सिद्धार्थ जैन 1008 कमल पुष्पों से भगवान महावीर स्वामी की पूजा करेंगे। मध्याह्न में समोसन विधान होगा, भगवान महावीर स्वामी का समोसन विधान होगा आदि। तो कल युगादि दिवस, वीर शासन जयंती पर्व, और तीसरा है स्वामी गौतम स्वामी का गणधर पदारोहण दिवस। गणधर स्वामी ने गणधर पद प्राप्त किया। भगवान के समोसन में आते ही चार ज्ञान प्रकट हो गए, दिव्य दीक्षा जैनेश्वरी दीक्षा ली, चार ज्ञान प्रकट हो गए, मती सुधी मना पड़िए और सप्तरिद्धि से समन्वित होकर के भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और उसे द्वाशांग रूप में रचना की। तो गौतम गणधर का गणधर पदारोहण दिवस, द्वाशांग रचना दिवस, दिव्य ध्वनि दिवस और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली पहली स्तुति संस्कृत भाषा में, जयति भगवान हेमाम भोज आदि, उसका वर्णन षटखंडागम आदि ग्रंथों में, वृहदर्शन के टीका आदिकों में और अनेकों जगह आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो चैत्र भक्ति का उद्गम दिवस 2580वां चैत्र भक्ति का जयंती दिवस, चैत्र भक्ति का जयंती दिवस, चैत्र भक्ति विधान भी होगा। कल तो सभी विधान एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्रम क्रम से आपको मध्याह्न के सीधे प्रसारण में सब दिखाए जाएंगे, समोसरण विधान, गौतम स्वामी की पूजा, दिव्य धनी की पूजा और द्वाशांग के विधान और चैत्र भक्ति विधान आदि सब क्रम क्रम से होते रहेंगे और सब आप क्रम से देखते रहेंगे। और कल से हम इसी विषय पर भी प्रकाश डालेंगे। भले ही हमारा अभी नियम सार का स्वाध्याय चल रहा है, लेकिन उसको गौण करके और आपको मुख्य विषय पर अब ले चलेंगे। इसी श्रावण मास में कल वीर शासन जयंती पर्व है, पुनः शुक्ल पक्ष में सप्तपरम स्थान व्रत आएगा, मुकुट सप्तमी व्रत आएगा, रक्षाबंधन व्रत आएगा और रक्षाबंधन महापर्व आएगा, जिसमें कि 700 मुनियों की रक्षा हुई है। बलि ने उन पर उपसर्ग किया, अग्नि में भस्म करना चाहा, चारों तरफ से अग्नि जलाई और विष्णु कुमार महामुनि उज्जैन से आकर के रात की रात में अपने रिद्धि के बल से उज्जैन से आकर के चतुर्मास में उज्जैन से आकर के और उन्होंने उपसर्ग दूर करके रक्षा की है और देवों ने रक्षा की है। तो बात यह है,
रक्षाबंधन पर्व तो से चला है, ये सब महत्वपूर्ण पर्व इस महीने में कल से आने वाले हैं, ध्यान रखें आप। ये सभी पर्व और व्रत हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हों। और आज श्रीनाथ भगवान का जो मोक्ष कल्याणक है, जो कल्याणक की तिथियों का व्रत करते हैं, उनके लिए दोनों श्रावण महीनों में करना अनिवार्य ही है, ऐसा नियम है। रविवार व्रत जैसे अनिवार्य है, ध्यान रखें। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में बताया। अब स्वामी संक्षेप में मैं आपको आज श्रीनाथ भवनाथ भगवान का परिचय करा दूं। सिंहपुरी बनारसी वाराणसी के पास है सिंहपुरी सारनाथ, जो सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा वसुमित्र और महारानी नंदा कभी महाराजा विष्णु महाराज करते थे, और ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी को भगवान का गर्भकल्याणक महोत्सव मनाया गया। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान ने जन्म लिया, और फाल्गुन शुक्ला एकादशी को भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं सारनाथ में ही सिंहपुरी में मनोहर उद्यान में तुमुर वृक्ष के नीचे, और भगवान को केवल ज्ञान भी वहीं हुआ है। सारनाथ में चार चार कल्याणक भगवान श्रीनाथ के हुए हैं। वहाँ पर हमारी भावना और प्रेरणा के अनुसार वाराणसी के श्रेष्ठी ऋषभदास जी, उनके सुपुत्र दीपक जैन आदिकों ने हमारे सानिध्य में वहाँ भगवान श्रीनाथ को विराजमान करके और सारनाथ में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न किया था। जो एक वहाँ पर वो तीर्थ बराबर भगवान का मंदिर भी बना हुआ है, प्राचीन मंदिर। आप लोग जो है सिंहपुरी वाराणसी जाते हैं तो चार तीर्थ के दर्शन हो जाते हैं। भदैनी में भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक चार कल्याणक, बेलोपुर में भगवान पार्श्वनाथ के तीन कल्याणक, वाराणसी में और चंद्रपुरी में भगवान चंद्रपुर के चार कल्याणक, और सारनाथ में शिवपुरी में पास में ही भगवान श्रीनाथ के चार कल्याणक। ऐसे चार भगवंतों की जन्मभूमि वाराणसी, काशी और उसके पास चंद्रपुरी शिवपुरी प्रसिद्धि को प्राप्त है। भगवान श्रीनाथ को माघ कृष्णा अमावस्या के दिन केवल ज्ञान हुआ, और आज के दिन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को मोक्ष प्राप्त किया है समय शिखर से। भगवान के समोसरण में श्री कुंथो स्वामी आदि 77 गणधर थे, 84,000 मुनि, धारणा माता, गणनी माता, हारिकाएँ 1,20,000, 2,00,000 श्रावक, 4,00,000 श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है कुमार देव, और शासन देवी है गौरी देवी। भगवान श्रीनाथ ने वर्तमान बीज निर्माण संबंध जो 2549 चल रहा है, इससे 100 सागर आप ध्यान में रखें, एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थकाल था, इसलिए 100 सागर 65,86,548 वर्ष पहले समय शिखर से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भगवान श्रीनाथ के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आप सबके लिए इन भगवंतों की कल्याणक भूमियों की वंदना अवश्य करें, इसी की भावना के साथ प्रेरणा के साथ परोक्ष में भी वंदन करते हुए। और अयोध्या शाश्वत तीर्थ जो अयोध्या है, अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, वर्तमान में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, ऐसे अयोध्या क्षेत्र को वंदन करते हुए और भगवान शिवदेव के श्री चरणों में, श्रीनाथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे राजकुमार जी श्रेष्ठी एक अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता हमें समाज में मिले हैं कलकत्ता में, और हमारी सारी गतिविधियों को और सभी जैन समाज की अनेक गतिविधियों को मूर्त रूप देने में आगे रहते हैं, और वो आज यहाँ आकर के भगवान का अभिषेक कर रहे थे, बड़ा आनंद आया देखकर। तो ऐसे हमारे राजकुमार सेठी के लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और भी जो हमारे यात्रीगण आए हुए हैं उनके सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत हम भरत के भारत में है अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में है गुणगान करो रे, हम वीर के शासन में है गुणगान करो रे, हम भरत के भारत में है अभिमान करो रे। भव्यात्माओं, वीर शासन जयंती, आपको जानना है कि कल द्वितीय श्रावण कृष्णा एकम है, और भगवान महावीर
के नाम पर ये दिन वीर शासन जयंती के नाम से जाना जाता है। समझे ना? आपसे कोई पूछे आज आप किसके शासन में हैं, चौबीसों तीर्थंकर भगवान निर्वाण चले गए, वर्तमान में कोई भी तीर्थंकर धरती पर नहीं है, तो हम सब भगवान महावीर के शासन में हैं। जब तक दूसरे तीर्थंकर का जन्म इस धरती पर नहीं होता है तब तक ये भगवान महावीर का शासन ही कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में भगवान महावीर का शासन चल रहा है और पंचम काल के अंत तक भगवान महावीर का शासन ही चलेगा। ज्ञानमती माता जी एक ऐसी जैन समाज की विभूति हैं कि जो आपको जिनवाणी से निकाल निकाल करके और सच्चे मोतियों के समान रत्न प्रदान करती हैं, और वो इस बात को मानती हैं कि वर्तमान में हम सब भगवान महावीर के शासन में हैं, इसलिए उनके शासन जयंती का पर्व सबको मनाना चाहिए। कल के दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई एकासन करते हैं, हमारे संघ में भी करते हैं, तो ऐसा वीर शासन जयंती पर्व। और जिस दिन चैत्य भक्ति का उद्भव हुआ, आप इस बात को गंभीरता से ध्यान देना कि आज भी भगवान महावीर की वाणी है और गौतम गणधर स्वामी की साक्षात वाणी है। समझे गुवाहाटी वालों, आप पहली बार अयोध्या आए हो, कल मैंने देखा कि आ करके गुवाहाटी वाले बहुत ही प्रसन्न हुए कि हम पहली बार अयोध्या आए हैं। अयोध्या आने की प्रेरणा आपको इसलिए मिली कि वहाँ जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती माता जी विराजमान है, उनका चातुर्मास चल रहा है, इसलिए देश का हर जैन भक्त सोचता है कि अयोध्या से कोई ना कोई नई गूंज, नया शंखनाद जरूर जरूर होने वाला है। तो वह शंखनाद हो गया क्योंकि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का परिभ्रमण 11 जुलाई को यहाँ से हुआ है और राजस्थान के अंदर बहुत ही सफलता के साथ जन जन में आह्लाद को उत्पन्न करता हुआ चल रहा है। नाम तो है अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, लेकिन आपको समझना है कि तीर्थंकर के शासन की प्रभावना करने वाला रथ है। ये भगवान महावीर के शासन की प्रभावना का रथ है। जिन भगवान महावीर का इतिहास अयोध्या से भी जुड़ा रहा, समझे ना, अयोध्या में ही कभी वो ऋषभदेव के पौत्र बनकर के जन्मे थे मरीचि कुमार के रूप में, और वही मरीचि कुमार आगे चल के 24वें तीर्थंकर महावीर बने। तो ऐसे महावीर के शासन की दिव्य विभूति पूज्य ज्ञानमती माता जी के मुख से आप वीर शासन जयंती का महत्व सुन रहे हैं। कल रथ यात्रा निकलेगी अयोध्या के अंदर और गौतम गणधर स्वामी, चैत्य भक्ति आदि के सब विधान होंगे। कल दिन में भगवान महावीर के समोसरण का विधान होगा। ऐसे शासन में रह करके हम सबको गर्व की अनुभूति करना है कि आज भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से जो कुछ सुना गणधर स्वामी ने, वह वाणी हमारे सामने मौजूद है। चैत्य भक्ति आप समझते क्या है? एक भक्तावर को तो आप इतनी श्रद्धा से पढ़ते हैं जो मानतुंगाचार्य ने रचा, जो अभी 700-800 साल पुराना है, लेकिन चैत्य भक्ति है 2549 साल पहले के चैत्य भक्ति। ऐसे चैत्य भक्ति को जब आप पढ़ेंगे तो आपको न जाने कितना फल मिलेगा, कितने कर्मों के ताले टूट जाएंगे। आप सब ऐसी भक्ति करते हुए जिन शासन की प्रभावना में रत रहें, यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद है।
आज राजकुमार जी सेठी परिवार ने जो शांति धारा का सौभाग्य लिया है उसमें अभिषेक जी सेठी, राशि जी सेठी, परिचित सेठी, अतिशय सेठी, परिणति सेठी, सौरभ जैन और सिद्धेशा जैन और स्वदर्शी जैन, इन्होंने भी आज शांति धारा का सौभाग्य लिया। हमारे बीच में गुवाहाटी से विनोद जी और रेखा जी पहाड़िया यहाँ पधारे हैं। एक शब्दों में रेखा जी अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हैं तो काफ़ी भक्तिभाव के साथ वो यहाँ पधारी हैं। माता जी के प्रति अनन्य श्रद्धा है। एक शब्द, एक मिनट वो अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हैं। रेखा जी पहाड़िया गुवाहाटी। आदिनाथ भगवान की जय हो, माता जी ज्ञानमती माता जी की जय हो, चंदनामती माता जी की जय। यहाँ विराजेश्वरी माता जी के चंदों में बंदामी करती हूँ। मैं तो सिर्फ, मुझे कुछ बोलना नहीं आता है माता जी, लेकिन मैंने जो कुछ आज सीखा है सब खाली टीवी से आपसे ही सीखा है माता जी। इसलिए दर्शन की भी बहुत अभिलाषा थी, पता नहीं पुण्य का उदय नहीं था तो दर्शन हुए। साक्षात दर्शन करके बहुत खुश हूँ। नमोस्तु बंदामी नमोस्तु। ये विचार सुने आपने रेखा जी के कि बोलते बोलते भी कितनी भावुक हो गई पूज्य माता के दर्शन करके। कल श्रीमती सुभा जैन, धर्मपत्नी अभिदीप जैन लखनऊ और उनकी पुत्रियां रिद्धिमा गरिमा जैन ने भगवान के चरणों में 1008 पुष्प चढ़ा करके पुष्प आराधना की। उसके साथ सुमेरगंज से श्रीमती चीना जैन, धर्मपत्नी हंस कुमार जैन और उनके पुत्र शशांक जैन, श्रीमती प्राची जैन, पार्थ जैन, यथार्थ जैन, ये सुमेरगंज भिटरिया उत्तर प्रदेश से इन लोगों ने आकर के और बहुत सुंदर भगवान के नाम मंत्र की आराधना पुष्पों के द्वारा की। आजकल अयोध्या में अवध प्रांत के भक्तगण आकर के और 1000 पुष्पों से खूब सहस नाम की आराधना कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल कमल पुष्पों से भगवान की आराधना होने वाली है। कैलाश चंद जी, सिद्धार्थ जी जैन, ये सब लोग आ करके और सारे भक्त जो भी आएंगे, अयोध्या के निकट रहने वाले भक्तों के लिए भी प्रेरणा है कि कल आकर के रथ यात्रा में प्रातःकाल शामिल हों। 5:30 बजे से वह रथ यात्रा निकाली जाएगी भगवान महावीर के वीर शासन जयंती की। ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं जब भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों के समक्ष जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, सिद्ध परमेष्ठी बन चुके हैं, ऐसे 101 पुत्रों के समक्ष